तो आज से लगभग 5 साल पहले पूरे भारत पर मुगल सम्राटों का कब्जा था। तब आदिल शाह ने अपने सेना में एक मराठी सेनापति को नियुक्त किया था जो बहुत ही निर्भीक और पराक्रमी थे, जिनका नाम था शाहजीराजे भोसले। 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले पे शाहजीराजे के घर एक बच्चे का जन्म होता है। सभी लोग सोचते हैं कि यह बच्चा भी अपने पिता की तरह एक दिन मुगल फौज का सेनापति बनेगा, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस बच्चे के पिता खुद एक मुगल सेना के सेनापति थे, कोई नहीं जानता था कि उस बच्चे के सामने भारत के सभी मुगल सम्राट एक दिन अपने घुटना टीका देंगे। और ऐसे महान राजा का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज था। तो आज हम उनकी जन्मभूमि विजिट करेंगे। तो हम पहुंच जाते हैं शिव जन्मभूमि जुन्नर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, कल हम लोगों ने ट्रैकिंग किया था हरिश्चंद्र फोर्ट। तो आज हम जाने वाले हैं शिवनेरी किला। तो अभी हम शिवनेरी किला के थोड़े ही पास में ही हैं, तो अभी होटल में रुके हैं एंड यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे एंड हम शिवनेरी किला जाने वाले हैं, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। तो काफ़ी टाइम से देखने का हमारा मन था, तो आज हम जाएंगे एंड विजिट करेंगे शिवनेरी किला। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे एंड जितना हो सके मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन उधर देने की कोशिश करूँगा। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस व्लॉग पे एंड काफ़ी एक्साइटेड भी है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं एंड सीधा मिलते हैं आप लोगों को शिवनेरी किला के पास। किले पर जाते समय यहाँ पे काफी शानदार रास्ते में दृश्य देखने को मिलते हैं और यहाँ से हमें शिवनेरी फोर्ट भी दिखाई देता है। किले पर जाने से पहले आपको यहाँ पे एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी, जो पर पर्सन 20 रुपीज लेते हैं एंड उसके बाद आपको आगे जाना है। यहाँ पर आपको प्रॉपर पार्किंग के लिए जगह मिलती है। किले के नीचे आपको यहाँ पे स्टॉल्स मिलते हैं जहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हो। किले के ठीक स्टेप्स के नीचे आपको यहाँ पे एंट्री करनी होगी। यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस वगैरह फिलअप करना रहता है और उसके बाद यहाँ से अंदर जाने के लिए एंट्री मिलती है। यहाँ पर चढ़ने के लिए प्रॉपर स्टेप्स हैं जो बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं। इस किले में मुख्य 7 गेट है, जिसमें जो पहला गेट है उसे महादरवाजा कहा जाता है। और किले के ऊपर से नीचे देखने पर यहाँ का जो व्यू है वो काफी शानदार लगता है। सो गाइज, अभी हम लोग शिवनेरी फोर्ट के अंदर एंटर हो चुके हैं एंड अभी चलते हैं ऊपर, सब देखते हैं। तो अभी गणेश दरवाजे के पास पहुंचे हैं।
यहाँ पर प्रॉपर पानी और डस्टबिन की व्यवस्था है, तो आप यहाँ पे कचरा कहीं भी ना फेंके। तो किले के टॉप पे जाने से पहले हम यहाँ पे बने हुए कुंड देखते हैं। एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक है किले के टॉप पे जाने का रास्ता और दूसरा है जो शिवाय माता का मंदिर है वहाँ पे जाने का रास्ता है। तो सबसे पहले हम शिवाय माता के मंदिर को विजिट करेंगे एंड उसके बाद हम किले के टॉप पर चढ़ेंगे। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जीजा माता ने पुत्र प्राप्ति के लिए इसी देवी से मन्नत मांगी थी और महाराज का नाम भी इन्हीं देवी के नाम पर रखा गया है। ये शिवाय माता का मंदिर, बट हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं एंड अभी चलते सीधा ऊपर। अभी चलते ऊपर वो देखने के लिए जो मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो चलते हैं ऊपर। तो आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं किले के अंबर खाने के पास। अंबर खाना यानी कि उस टाइम में अनाज रखने के लिए यूज किया जाता हुआ जगह। अंबर खाना विजिट करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे एंड कुछ आगे बढ़ने के बाद हम पहुंच जाते हैं शिवकुंज स्मारक के पास, जहां पर बाल शिवाजी महाराज और जीजा माता की प्रतिकृति बनाई गई है। तो यह स्मारक विजिट करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे। और आगे जाने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां पर काफी भीड़ थी और वीकेंड होने के कारण यहां पे लोग काफी दूर दूर से विजिट करने के लिए आते हैं। Thank you.
तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म स्थान विजिट करने के बाद हम बढ़ते आगे। इनके जन्म स्थान के ठीक सामने ही बादामी टाकी है। बादामी टाकी का शेप जो है हाफ हर्ट का है, इसलिए उसको बादामी टाकी कहा जाता है। तो बादामी टाकी विजिट करने के बाद हम बढ़ते आगे। थोड़े आगे हम पहुंच जाते हैं काड़े लोट। ऐसा कहते हैं कि गुनेगारों को यहाँ से नीचे फेंका जाता था। और यहाँ से जूनियर सिटी का दृश्य भी काफी शानदार लगता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो नीचे कितनी बड़ी खाई है। गाइज हमने पूरा फोर्ट घूम लिया, सीनरी फोर्ट काफ़ी मस्त था, देखने में बहुत मजा आया। तो अभी उतरते हैं यहाँ से एंड इस व्लॉग पे एंड करते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। बहुत जल्द ऐसे एक न्यू व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।